है, लेकिन यहाँ पर सेव या और सेवेस में अंतर क्या है? सेवेस देखिए, अभी हमने क्या किया है, ये फाइल पहले से ही सेव है। अगर हम इसके अंदर कोई एडिटिंग करते हैं, जैसे कि हमने इसके अंदर कुछ क्या कर दिया, या तो कोई हमने चीज डिलीट करी, या फिर हमने कोई नया शेप वगैरह या कुछ पिक्चर वगैरह क्या कर दी, ऐड कर दिया, कुछ और अदर काम कर लिया, तो अब हम क्या चाहते हैं कि ये चीज इसी में सेव हो जाए। तो आप क्या करोगे, यहाँ से सेव ऑप्शन का यूज करोगे। देखो हमने सेव पर क्लिक किया, हमें कोई ऑप्शन नहीं दिया इसने, क्यों? क्योंकि ये फाइल पहले से ही सेव है, हम जो भी एडिटिंग कर रहे हैं उसके अंदर सेव करते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से ये चाहते हो कि इस फाइल को हम किसी अदर जगह पर सेव करना चाहते हैं, मतलब जहाँ सेव है वहां तो रहनी नहीं चाहिए, एक और जगह पर सेव करना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे, सेव एज का यूज करोगे। सेव एज पर आप जितनी बार क्लिक करोगे, हर बार वो आपको एक नई लोकेशन देगा सेव करने के लिए, ठीक है। और दूसरा, अगर आपने कंट्रोल एन कर रहे हैं, ठीक है, कंट्रोल एन है यानी कि न्यू फाइल, हमने इसके अंदर कुछ बनाया, आप यहाँ से फाइल फाइल पर जाकर सेव पर क्लिक करेंगे, जब भी देखिए सेव एस का ऑप्शन आ रहा है, सेव एस पर क्लिक करें तब भी सेव एस का ऑप्शन आ रहा है। नॉर्मल सी भाषा में आप इस तरह से कह सकते हैं कि जब आप डॉक्यूमेंट को पहली बार सेव करते हैं तो वो हमेशा सेव एस में सेव होता है, लेकिन जब आप उसी डॉक्यूमेंट में कोई एडिटिंग करते हैं यानी कुछ चीजें ऐड करते हैं, जैसे कि आप कोई एक बुक टाइप कर रहे हो, और एक दिन में तो आप उस बुक को टाइप नहीं कर पाओगे, मतलब आज आओगे, फिर कल करोगे, फिर परसों करोगे, रोज थोड़ा थोड़ा करते जाओगे, तो इस तरह से क्या कर सकते हो आप, सेव एज से, सेव की सेव ऑप्शन से क्या कर सकते हो, हमने जैसे कि एक पेज आज टाइप कर लिया, अब एक पेज हम कल टाइप करेंगे, तो हम क्या करेंगे, उसी डॉक्यूमेंट में उसको सेव करने के लिए सेव ऑप्शन का यूज करते हैं, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+S। जब आपने अभी तक इस डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किया और आप Ctrl+S दबाओगे तो वो सेव एस के लिए बोल रहा है, क्योंकि अभी तक आपने इस डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किया। लेकिन जब आप इसको सेव कर चुके होते हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप बस Ctrl+S करेंगे, ठीक है। अब आगे के ऑप्शन आपको हम कल बता देंगे, ये जरूर हम समझ गए।